अस्सलाम वालेकुम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा, आपकी क्लास ना अभी 10-15 मिनट में शुरू होगी, थोड़े स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लें। तो अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी आवाज आ रही है?
अच्छा, तो मेरा नाम दानियाल है, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और इस कोर्स में आपका टीचर भी मैं होऊंगा। तो आप सब बारी बारी मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि अंदाजा हो जाए आप लोग क्या करते हैं, कहाँ से हैं। अच्छा,
अच्छा, तो आप लोग प्लीज मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर दानियाल। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अच्छा, मेरा नाम अब्दुल मोइज है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ और यूएमटी में इस टाइम पढ़ रहा हूँ एज अ सीएस। पर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक है बहुत ज़्यादा करने का, इस वजह से मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। तो हम आप मुझे ये बता सकते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे और हम इसको कितनी जल्दी इसको कवर कर सकते हैं, और इसके अलावा हम कब तक इसको समझ लेंगे, सारी चीज़ें इसमें कर लेंगे, आप थोड़ा गाइड कर देंगे इस बात से? जी जी बिल्कुल मोइस, हम लोग इसमें सबसे पहले तो फोटोशॉप सीखेंगे और इसके बाद हम इलस्ट्रेटर पे जाएंगे, और इसके अलावा हम कोरल ग्राफिक्स पे भी एक दो लेक्चर्स देंगे एंड पर। तो रेस्ट अश्योर्ड आपको हम एक ग्राफिक डिजाइनर बना के यहाँ से भेजेंगे। और टाइम का जो आपने मुझसे कहा है कि हमें कितना टाइम लगेगा ये सीखने में, वो सारा आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेहतर हो जाएंगे। कोई भी स्किल हो, हर स्किल में ऐसे ही होता है, आप जितना ज्यादा टाइम देंगे आप उतने बेहतर होते जाएंगे। तो इस वजह से टाइम तो आप पे पूरी तरह डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा सीखने में। थैंक यू सो मच। पता क्या, आपके बारे में बड़ा सुना था हमने कि आप एक बहुत ही मतलब के अच्छे टीचर, और पहले भी आप बहुत ज्यादा लेक्चर्स दे चुके हैं, तो इसी वजह से मैंने एक ग्लोबल एज का ये ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद है कि हम इसको पढ़ने के बाद एक अच्छे अच्छी जगह पे हम जॉब, एक एज अ जॉब, और अगर हम खुद भी वर्किंग करते हैं तो वो हम अच्छे से कर सकेंगे। होप के ये सारा का कोर्स अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। बाकी भी सारे के सारे मेरे ख्याल से मेंबर सारे चुप है, कोई बोल, कोई आप में से कोई इंट्रो दे। जी जी बिल्कुल मोहित, शुक्रिया। तो आप बिल्कुल, आप जहां से जब निकलेंगे आप जॉब के लिए रेडी होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स और इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए। अच्छा, आप सब प्लीज जो जो ज्वाइन कर चुके हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, आपको लिंक भेजा गया चैट में। तो और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? अच्छा, तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो मेरा नाम दानियाल है, इस कोर्स में आपका टीचर मैं हूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल उठता है कि डिजाइन होती क्या चीज है, डिजाइन से मुराद क्या है। डिजाइन से मुराद है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स, आप चाहे कोई मैथ की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके कोई जैसी भी प्रॉब्लम हो, उसके सलूशन को हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन से मुराद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ग्राफिक डिजाइन में जो दूसरा लफ्ज है ग्राफिक, ग्राफिक्स से क्या मुराद है? ग्राफिक्स का मतलब है विजुअली, विजुअल्स के साथ, जैसे विजुअल्स में आपकी आती हैं ड्राइंग्स आ जाती हैं, आपकी एनिमेशंस आ जाती हैं, आपके फोटो एडिटिंग आ जाती है, इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, इन सब चीजों को हम ग्राफिक्स में शामिल करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइन से क्या मुराद है? इमेजरी के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना। मतलब आपको किसी ने कहा है कि उसने आपसे कोई फ्लायर बनवाना है या अपना कोई लोगो बनवाना है, तो आपका क्या काम होगा कि उस क्लाइंट के पास जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, आपने उसको हल करना है तस्वीरों का इस्तेमाल करके। आपने लोगो बनाना है तो
आपने विजुअली बनाना है, आपने कोई फ्लायर बनाना है, उसमें आपने इमेजरी और टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है, तो आपने उस क्लाइंट की नीड्स को विजुअल्स के साथ पूरा करना है। इससे मुराद है ग्राफिक डिजाइन। तो ग्राफिक डिजाइनर्स करते क्या हैं? ग्राफिक डिजाइनर्स का काम ये होता है कि आपने क्लाइंट से उसका मसला पूछना, अच्छा आप सब प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, आपको चैट में लिंक भेजा गया उस पर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। तो ग्राफिक डिजाइनर्स करते क्या हैं? ग्राफिक डिजाइनर्स का काम होता है किसी भी क्लाइंट के मसलों को इमेजरी के थ्रू सॉल्व करना। कोई क्लाइंट आपको आइडियाज देता है, उसको नहीं पता कि उसने इस आइडिया पे क्या लोगो बनाना है, क्या फ्लायर बनाना है, क्या पोस्टर बनाना है। जी जी क्लासेस के टाइम वैसे तो 2 बजे से 4 बजे तक ही रहेंगे, मगर अगर कुछ चेंज होना हो तो हम उसके बारे में आपको पहले से बता देंगे। वैसे वैसे वीकेंड्स पे होती हैं क्लासेस 2 बजे, सैटरडेज और संडेज को। तो ग्राफिक डिजाइनर्स का मकसद क्या होता है? ग्राफिक डिजाइनर्स का मकसद है बेसिकली इस दुनिया को खूबसूरत बनाना। आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, एक इंसान एक दिन में तकरीबन 9 से 10 हज़ार डिजाइन देखता है, और वो सब डिजाइन किसी ग्राफिक डिजाइनर ने ही बनाए होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने फोन को देखेंगे, आप अपनी होम स्क्रीन पे जाएंगे, आपके सामने कोई 20-25 लोगोज नजर आ जाएंगे, वो हर एक लोगो एक ना एक ग्राफिक डिजाइनर ने ही बनाया हुआ। आप बाहर निकलते हैं, आपको बिल्डिंग्स पे बिलबोर्ड्स नजर आते हैं, आपको किताबें नजर आती हैं, उनके कवर्स ग्राफिक डिजाइनर्स ने डिजाइन किए होते हैं। आप कहीं पे इलस्ट्रेशंस देखते हैं, वो किसी ग्राफिक डिजाइनर ने बनाई होती हैं। किसी कंपनी के पोस्टर्स देखते हैं, वो भी किसी ग्राफिक डिजाइनर ने ही बनाए होते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि ग्राफिक डिजाइनर का मकसद है इस दुनिया को खूबसूरत बनाना। अब ग्राफिक डिजाइन में हमारे पास एरियाज क्या आते हैं, किन किन चीजों में आप स्पेशलाइज कर सकते हैं? ग्राफिक डिजाइन के अंदर वैसे तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। ये फील्ड इतनी बड़ी है कि आप पूरी उम्र इसको सीखने में लगा दें, आप फिर भी ये नहीं कह सकते कि मुझे ग्राफिक डिजाइन आ गया। कोई भी स्किल कोई भी इंसान 100% कभी नहीं सीख सकता, हमेशा कुछ ना कुछ गैप्स जरूर रह जाते हैं। तो ग्राफिक डिजाइन के अंदर जो बेसिक फील्ड्स आती हैं वो है लोगो डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, फ्लायर्स, बुक्स, इलस्ट्रेशन और फोटो डिजाइन। लोगो डिजाइन से मुराद है किसी भी कंपनी का लोगो बनाना, उसकी उसकी पहचान को बनाना। जैसे आपके सामने एप्पल का लोगो है स्क्रीन पर, ये भी किसी ग्राफिक डिजाइनर ने ही बनाया। ये बजाहिर तो एक सिर्फ सिंबल है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए जो उस ब्रांड के साथ अटैच हो चुका है। जब आप इस लोगो को देखते हैं आपको एक सेव नहीं नजर आता, आपको वो कंपनी नजर आती है जो हमारे आईफोन्स वगैरह बनाती है, आपके जहन में वो कंपनी आती है। ये अच्छा, तो ये एप्पल का ये लोगो देख के आपके जहन में वो ब्रांड आता है जो आईफोन्स बनाता है, जो मैकबुक्स बनाता है, जो और भी बहुत सी चीजें बनाता है। आपके जहन में सिर्फ एक सेव नहीं है, जो कि एप्पल का आइकॉन है, उसकी आइडेंटिटी बन चुका है, उसकी पहचान है ये। जी जी मुस्तफा आपने आप कुछ कहना चाहेंगे मुस्तफा?
अच्छा आगे चलते हैं। पोस्टर डिजाइन से क्या मुराद है? जैसे आपके पास स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है एक येलो कलर का पोस्टर, ये पोस्टर किसी ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया है। ये पोस्टर्स आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। और फयाज आपको जो लिंक दिया गया ना, आप उस पर जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। उसके अलावा आता है बुक डिजाइन। बुक डिजाइन से मुराद है बुक्स के कवर्स डिजाइन करना, या बुक्स के अंदर जो पेजेस होते हैं उनमें टेक्स्ट को डिजाइन करना। इलस्ट्रेशन से मुराद है, जी जी बिनते नूर बोलिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, इलस्ट्रेशन से मुराद है कि ड्राइंग, बेसिकली ड्राइंग या पेंटिंग या किसी भी मीडियम का इस्तेमाल करते हुए मुसव्वरी करना। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने एक छोटी सी ड्राइंग मौजूद है। ये वैसे तो एक इंसान की ड्राइंग है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड ड्राइंग है। इसमें चंद एक लाइंस का इस्तेमाल करके आर्टिस्ट ने एक पूरा इंसान दिखाया। उसके अलावा आती है फोटो एडिटिंग। फोटो एडिटिंग से मुराद है मुझे उसको एडिट करना, उनमें कोई भी चेंजेस करना। तो ये है हमारे बेसिक एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन ग्राफिक डिजाइन में। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, लोग इन सब में काम करते हैं। आपके पास ऑप्शन तो होती है कि आप सिर्फ एक एरिया में स्पेशलाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ लोगो डिजाइनर बनना चाहते हैं, आप सिर्फ लोगो डिजाइन करें। लेकिन सब एरियाज में काम करने का फायदा यह होता है कि आपको काम मिलता रहता है रेगुलरली। आप सिर्फ अपने आप को एक फील्ड में महदूद कर देंगे तो आपको काम निस्बतन कम मिलेगा। तो ग्राफिक डिजाइनर्स इस्तेमाल क्या चीजें करते हैं? ग्राफिक डिजाइनर्स का काम जो होता है कि इमेजरी और कोई भी विजुअल चीजों को इस्तेमाल करते हुए मैसेज पहुंचाना कंज्यूमर तक। वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है। हम इमेजरी इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक डिजाइन में। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक येलो कलर का पोस्टर है, इसमें एक इंसान की इमेज आपके सामने प्रेजेंट की गई है। हम आइकॉन्स इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फोन्स के आइकॉन्स हो गए, इंटरनेट का आइकॉन हो गया, लोकेशन का हो गया, ईमेल का हो गया, इन सब आइकॉन्स को इस्तेमाल करते हैं। इलस्ट्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं जहां हमें जरूरत पड़े। आपने अभी देखी इलस्ट्रेशन से क्या मुराद है, हम इन इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। टेक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डिजाइन में, कोई फीलिंग इन्वोक करने के लिए। जैसे आपने कोई लकड़ी का टेक्सचर देना, आपने ईंटों का टेक्सचर देना कहीं पर डिजाइन में, तो आप टेक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक और बहुत जरूरी जो चीज है वो है कलर। कलर वैसे तो सबसे आखिर में आप अपने डिजाइन पे अप्लाई करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोग ब्लैक एंड व्हाइट में अपना डिजाइन रेडी करते हैं और फिर कलर्स को एंड पे ऐड करते हैं। कलर्स, सब कलर्स के एक अपने मायने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने आपका कलर व्हील है। कलर व्हील में हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। एक साइड पे होते हैं कूल कलर्स और एक साइड पे होते हैं कलर्स। आप देख सकते हैं जो ब्लू की साइड पर कलर्स हैं वो कलर्स आपके कूल कलर्स हैं, और जो दूसरे जो उससे ऑपोजिट साइड पर कलर्स हैं वो हैं वार्म कलर्स। तो इनका मकसद क्या होता है? जब आपने कोई खास फीलिंग किसी इंसान में, अपने देखने वालों में इवोक करनी हो, तो आप इन कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, फूड इंडस्ट्री में आप जाके देखें, अक्सर
अक्सर कंपनीज की ब्रांडिंग वो हम कलर्स में होती है, जैसे आप मैकडोनल्ड्स का लोगो देखें वो येलो कलर में है, येलो कलर एक वार्म कलर है। आप KFC का लोगो देखें वो रेड कलर का, रेड कलर भी वार्म कलर है। इन कलर्स को इस्तेमाल करने का फूड इंडस्ट्री में मकसद ये है कि ये कलर्स देख के आपको खुद भूख लगती है। तो उसके अलावा हमारे पास एक टूल आता है शेप का। शेप से क्या मुराद है? शेप से मुराद है हमारे डिजाइन में हम जो शेप्स इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर्स हो गए, सर्कल्स हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, इन सब शेप्स का इस्तेमाल करते हैं हम अपने डिजाइन बनाते हैं। और ये शेप्स कभी भी हम रैंडमली नहीं इस्तेमाल करते हैं, हर शेप का एक खास मकसद होता है इस्तेमाल करने का। फॉर एग्जांपल सर्कल्स जिन लोगोज में अक्सर इस्तेमाल होते हैं आप देखेंगे, एजुकेशन में बहुत इस्तेमाल होता है, मेडिकल फील्ड में बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कंफर्टिंग फीलिंग देता है सर्कल की शेप। ट्रायंगल में आप देख सकते हैं हमारे अक्सर स्टॉप साइंस ट्रायंगल में होते हैं, डेंजर को सिग्निफाई करता है। तो हर शेप का एक अपना मीनिंग होता है, इनको कभी भी हम रैंडमली नहीं इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आते हैं एक टूल आता है व्हाइट स्पेस का। व्हाइट स्पेस से क्या मतलब है? व्हाइट स्पेस को अक्सर हम डिजाइन में नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं। इससे मुराद है हमारे डिजाइन में खाली जगह। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ डिजाइन्स हैं, तो आपके सामने क्लैरिटी लिखा हुआ है, और इसको दो लेआउट्स इसके बनाए गए हैं। जो लेफ्ट वाला लेआउट है आप देख सकते हैं इसमें व्हाइट स्पेस ज्यादा है, इसमें ऑब्जेक्ट्स कम इस्तेमाल हुए हैं और ये ज्यादा ब्रीदेबल महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लटर्ड नहीं है। और जो राइट साइड पे है उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ शेप्स को फजूल में इस्तेमाल किया गया हुआ। तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं क्लास का, वैसे तो 2 बजे शुरू होती है, कोई खास टाइम नहीं है, जब तक टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक चलती रहेगी। वैसे ऑन एवरेज घंटे या 1.5 घंटे की क्लास होती है, और हर वीकेंड 2 बजे होगी, सैटरडेज और संडेज को। अच्छा, तो आप राइट साइड पे देख सकते हैं उसमें कुछ शेप्स वैसी डाली गई हैं जो कि उसको क्लटर कर रही हैं। उन शेप्स का कुछ खास मकसद नहीं है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड वाला जब क्लैरिटी का डिजाइन देखेंगे तो वो ज्यादा ब्रीदेबल महसूस हो रहा है, वो ज्यादा खाली है, और अक्सर लोगों को वो ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि उसमें एलिमेंट्स कम इस्तेमाल है। तो ये जो खाली जगह छोड़ी है इसको हम कहते हैं व्हाइट स्पेस, जिसकी बहुत ज्यादा कमी है राइट वाले डिजाइन में। अच्छा स्टूडेंट्स, आप प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, आपको जो आपको चैट में शेयर किया गया लिंक उस पर। इसके अलावा हमारे पास आता है जेस्टाल्स लॉ। जेस्टाल्स लॉ से क्या मुराद है? नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल करते हुए ही, प्लीज अपनी अटेंडेंस चैट में मत मार्क करें, अपनी अटेंडेंस उस लिंक पे जाके मार्क करें जो आपको लिंक चैट में दिया गया, उस लिंक पे जाइए और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए प्लीज। अच्छा, जेस्टाल्स लॉ से क्या मुराद है? जी जी ठीक है मोइस, आप भी नहीं मिला, आपने चैट में अपना नाम भेजा, आप प्लीज उस लिंक पे जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, और बाकी भी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें लिंक पे जाके। तो जेस्टाल्स लॉ से क्या मुराद है? इससे मुराद है व्हाइट स्पेस का इस्तेमाल करते हुए ही
अपने डिजाइन्स में, अपने डिजाइन्स को बनाना। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने ये तीन सर्कल्स हैं कटे हुए, इनके दरमियान में आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये ट्रायंगल बनाया तो नहीं हुआ डिजाइनर ने, लेकिन क्योंकि वो तीन सर्कल्स को ऐसे प्लेस किया गया, आपको वो नजर ट्रायंगल आ रहा है सर्कल्स के बजाय। इस चीज को कहते हैं जेस्टाल्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना, इनकम्प्लीट चीजों से कंप्लीट चीज को दिखाना। जैसे कटे हुए सर्कल से आप दिखा रहे हैं एक ट्रायंगल को, इसी तरह राइट पे आपके पास एक लोगो है WWF का, आप देख सकते हैं कि उसने बनाया तो पांडा हुआ, आप देख सकते हैं उसने बनाया तो लोगो में एक पांडा हुआ, लेकिन वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हैं, बहुत सिंपल शेप्स हैं, और वो शेप्स ओपन है। ऐसा कोई भी पांडा इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरह से डिजाइनर ने शेप्स को अरेंज किया हुआ है, आपको नजर वो पांडा ही आ रहा है। बेशक वो शेप्स ओपन है, खुली हुई है, लेकिन आपको उनकी कमी, उन लाइंस की कमी महसूस नहीं हो रही है। इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करने का फायदा ये होता कि यूजर की अपनी इनपुट आ जाती है आपके डिजाइन में, यूजर ज्यादा इंगेज होता है। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है और सर्कल्स हैं, इसमें आपने बनाए तो सर्कल्स हुए कटे हुए, लेकिन आप दिखाना एक ट्रायंगल चाह रहे हैं। अब ये देखने वाले के ऊपर है कि उसने इस इमेज को प्रोसेस करना है और ट्रायंगल को देखना है, तो इसमें देखने वाले की भी इनपुट आ जाती है। इससे मुराद है जेस्टाल्ट लॉ का इस्तेमाल करना। तो डिजाइन थ्योरी के बेसिक्स आपने सीखे, इसके बारे में कोई आपके पास सवाल हो तो प्लीज बताइएगा, प्लीज पूछिएगा मुझसे। अच्छा, तो अब ग्राफिक डिजाइनर टूल्स क्या इस्तेमाल करता है। ग्राफिक डिजाइनर्स, वैसे तो हमारे पास दुनिया में कोई लाखों टूल्स मौजूद हैं, लाखों सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, लेकिन इस फील्ड में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होए जाने वाले टूल्स हैं वो हैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। आपने इन टूल्स का नाम पहले भी सुना होगा क्योंकि ये टूल्स बहुत मशहूर हैं, ऑलमोस्ट हर डिजाइनर दुनिया में इनको इस्तेमाल करता है। तो हम आने वाले लेक्चर्स में फोटोशॉप को भी इन डेप्थ सीखेंगे, इलस्ट्रेटर में इलस्ट्रेशन भी इन डेप्थ सीखेंगे। अब ये जो दो सॉफ्टवेयर्स हैं, हम दोनों की क्यों इस्तेमाल करते हैं। बज़ाहिर मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों सॉफ्टवेयर्स, एक मिनट बस, बज़ाहिर जो दोनों सॉफ्टवेयर्स तकरीबन सेम है, देखने में आपको कोई फर्क इनमें नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं जहां पे बिल्कुल जिस तरह इलस्ट्रेटर का लेआउट है, बिल्कुल उसी तरह का फोटोशॉप का लेआउट है। बज़ाहिर तो इनमें कोई खास फर्क नहीं है, आप देखेंगे इन्हें, पहली नजर मारेंगे तो आपको कोई खास फर्क इनमें नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप इनमें काम करना शुरू होते हैं तो दोनों बहुत फर्क तरीके से काम करते हैं। फोटोशॉप जो है वो पिक्सल्स पे काम करता है और इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर्स पे काम करता है। इससे क्या मुराद है? पिक्सल से मुराद है, पिक्सल्स में काम करने से मुराद है कि आप जब इमेज को जूम इन करेंगे, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, आपके सामने एक इमेज खुली हुई है, आप इस इमेज को जूम इन करेंगे आपको नजर आएगा कि उसके पिक्सल्स आपको फटते नजर आ रहे हैं, आपको इंडिविजुअली अलग अलग एक एक पिक्सल नजर आ रहा है। ये ऐसे तो होता है फोटोशॉप में। ऐसी इमेजेस का नुकसान जो होता है कि आप इनको स्केल नहीं कर सकते। जैसे ये 2000x2000 पिक्सल्स की इमेज है, आपने अगर इसको एक 20 फुट के बिलबोर्ड पर प्रिंट करना हो
तो आप इसको स्केल नहीं कर सकेंगे। अगर आप इस इमेज को एक 20 फुट के बिलबोर्ड पे प्रिंट करेंगे तो उसके पिक्सल्स आपको बिल्कुल ऐसे फटते हुए नजर आएंगे जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके बरक्स इलस्ट्रेटर में इलस्ट्रेटर कैसे काम करता है। इलस्ट्रेटर में आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, हम ये सारी चीजें बनाना सीखेंगे बाद में। तो आप इलस्ट्रेटर काम करता है वेक्टर्स में। वेक्टर्स से क्या मुराद है, आप इनको जब जूम इन करेंगे आप देखेंगे आप जितना भी जूम इन कर लें उसके पिक्सल्स आपको कभी फटते नहीं नजर आएंगे क्योंकि वो रियल टाइम में कैलकुलेट हो रहे होंगे। अब इस एक इमेज को आप, ये है तो ये भी एक 2000x2000 का कैनवस, लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करें किसी 20 फुट के बिलबोर्ड पे ये बिल्कुल भी पिक्सल्स नहीं फटेंगे इसके, क्योंकि ये वेक्टर्स में काम कर रहा है। हम जब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में हम उसमें इन डेप्थ जाएंगे, आपको समझाएंगे कि ये करते क्या हैं और कैसे करते हैं। अभी ये दिखाने का मकसद सिर्फ एक बेसिक आइडिया देना था आपको कि वेक्टर्स और पिक्सल्स में फर्क क्या होता है। तो इस सब के बारे में आपको कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। Any questions? जी सर, सही से सारा सही था, पर मैंने एक क्वेश्चन है मेरा इसमें कि क्या हम फोटोशॉप में वेक्टर बना सकते हैं, वेक्टर शेप्स में कुछ, क्योंकि क्योंकि मतलब के उसमें तो रास्टर है ना, मतलब वो आपकी इमेजेस को खराब कर देता है फोटोशॉप अगर आप उसे ज्यादा जूम करो जैसे आपने भी बताया, तो क्या हम उसमें वेक्टर बना सकते हैं? अच्छा, फोटोशॉप में आप बना तो सकते हैं वेक्टर्स, लेकिन उनका मसला यही आएगा कि जब आप उनको जूम इन करेंगे वो फट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने टेक्स्ट है, टेक्स्ट फोटोशॉप में वेक्टर्स की तरह ही काम करता है, लेकिन जब आप उस इमेज को एक्सपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने उसे जूम इन किया उसके पिक्सल्स आपको फटते नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको जूम आउट करेंगे आप इस टेक्स्ट को कंट्रोल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ बहुत, तो आप देखेंगे कि उसके पिक्सल अब नहीं फट रहे हैं। इसकी वजह यह है कि फोटोशॉप जब टेक्स्ट को कंट्रोल करता है या कोई भी वेक्टर्स को कंट्रोल करता है उन्हें करता वेक्टर की तरह ही है जैसे इलस्ट्रेटर करता, लेकिन जब आउटपुट आप फोटोशॉप से लेते हैं तो वो वेक्टर में नहीं आती। फोटोशॉप वेक्टर में एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है क्योंकि बैक एंड पे वो रास्टर पे वो पिक्सल्स पे काम कर रहा होता। यही वजह है कि आपके कंप्यूटर्स में अक्सर इलस्ट्रेटर ज्यादा बेहतर काम करता है और फोटोशॉप कम परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि पिक्सल्स में काम करना आपके सीपीयू पे ज्यादा लोड देता। तो ऐसा नहीं है कि आप फोटोशॉप में वेक्टर्स को कर ही नहीं सकते प्रोसेस, आप कर सकते हैं, लेकिन जो फोटोशॉप आउटपुट देगा वो हमेशा रास्टर होगी, हमेशा पिक्सल्स में होगी। जी ठीक है सर, समझ आ गई। अच्छा एक चीज इसमें ये है कि हम इलस्ट्रेटर वाला काम फिर इस तरह सारा फोटोशॉप में कर सकते हैं, हमें क्या जरूरत है इलस्ट्रेटर को यूज करने की? देखिए मोइज, फर्क जो दोनों में है ना, आप दोनों में सेम चीजें उतनी आसानी से बना सकते हैं जितनी आसानी से आपको बनाना आता है। एग्जैक्टली वही चीजें मैं जो इलस्ट्रेटर में बनाता हूँ मैं वही चीजें फोटोशॉप में भी बना सकता हूँ, लेकिन फर्क वहां पे आता है, फर्क यहाँ पे ये आता है कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए।
अब अगर मैंने कोई पोस्ट बनाना है जो सोशल मीडिया पे पोस्ट होगा, उसके लिए अक्सर हम साइज रखते हैं 1080 बाय 1080 पिक्सल्स, एक स्क्वायर पोस्ट जैसे आप देखते हैं इंस्टाग्राम में होता है। तो अगर तो मैंने कहीं इसको डिजिटल में कहीं पोस्ट करना है तो मैं इस्तेमाल करूंगा फोटोशॉप, क्योंकि मुझे वहां पे उसकी स्केलेबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता। मैंने मैंने वो पोस्ट देखने होंगे अपने फोन पे, हमारे कंज्यूमर्स ने वो पोस्ट देखने होंगे अपने फोन पे। अब फोन पे अगर रेजोल्यूशन कम भी हो हमारी इमेज की, आपको पिक्सल्स फटते हुए नजर नहीं आते हैं क्योंकि इमेज छोटी नजर आ रही होती है। लेकिन अब अगर मैंने किसी डिजाइन को प्रिंट करना हो कि 20 फुट के बिलबोर्ड पे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो वो फोटोशॉप से अगर मैं प्रिंट करूंगा, फोटोशॉप से आउटपुट फाइल निकालूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा इमेज, या तो उसका साइज बहुत बड़ा होगा, और अगर उसका साइज छोटा होगा, अगर कम रेजोल्यूशन में प्रिंट करेंगे, तो वो इतने बड़े बिलबोर्ड पे स्केल हो ही नहीं सकेगी। अगर आप इसे स्केल करेंगे तो उसके पिक्सल्स फटते हुए नजर आएंगे और वो हम चाहते नहीं है। तो फर्क सारा आउटपुट का आता है, आपको आउटपुट क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगोज अक्सर बनाते होते हैं इलस्ट्रेटर पे, वो हम फोटोशॉप पे कभी नहीं बनाते होते। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि हम लोगोस का हमने बहुत सारे साइजेस में प्रिंट करना होता है। कभी हमने एक विजिटिंग कार्ड पे प्रिंट करना है जो कि छोटा सा होता है, बैंडेज साइज 2 बाय 3 इंचेस होता है उसका। कभी हमने बैग्स पे प्रिंट करना होता है, उनका साइज बड़ा होता है। कभी हमने बहुत बड़े बिलबोर्ड्स पे प्रिंट करना होता है, उनका साइज बहुत बड़ा होता है। अब अगर हमने ये लोगोस फोटोशॉप पे बनाए होते तो हम उन्हें स्केल बिल्कुल ना कर पाते, क्योंकि फोटोशॉप काम करेगा पिक्सल्स पे। फोटोशॉप से एक्सपोर्ट की हुई इमेज कभी भी आप स्केल नहीं कर सकेंगे। अगर हम इलस्ट्रेटर पे बना के उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमने बेशक वो इमेज एक छोटे से विजिटिंग कार्ड पे प्रिंट करनी हो, या हमने कोई 20 फुट के बिलबोर्ड पे प्रिंट करनी हो, हम उसको प्रिंट कर सकेंगे डरे बगैर, क्योंकि उसके पिक्सल्स फटते नहीं नजर आएंगे। तो दोनों सॉफ्टवेयर पे आप काम तो सेम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फर्क आता है कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। इसके अलावा कोई सवाल आपका? ठीक है सर, समझ आ गई। अच्छा, मेरी एक और इसके हवाले से एक क्वेश्चन और भी था कि इस तरह जितना भी आपने अभी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का बताया, उसमें एक चीज यही आती है कि इलस्ट्रेटर जो है वो कार्टून टाइप चीज बनाने के लिए, और फोटोशॉप जो है वो आपके समझ लें कि इनविटेशन कार्ड, बिजनेस कार्ड, फ्लायर, या फिर आप किसी कोई आप पोस्ट डिजाइन करना चाह रहे हो उसके लिए है, और इलस्ट्रेटर जो है वो सिर्फ जो होता है वो कार्टून टाइप चीजें बनाने के लिए बनाया गया है। क्या ऐसे ही है? आपकी बात कुछ हद तक तो ठीक है। अक्सर हम देखते हैं आपके सामने ये पांडा का लोगो, ये भी कार्टून स्टाइल ही है, ये प्रॉबली इलस्ट्रेटर में बनाया गया। तो इलस्ट्रेटर को कार्टून्स के साथ रिलेट अक्सर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो वेक्टर्स में काम करता है। वेक्टर में जब आप इमेजेस बनाते हैं तो वो ज्यादा सिंपल होती हैं, और कार्टून सिंपल होते हैं, सिंप्लीफाइड होते हैं। हम मिसाल के तौर पे सर्च करते हैं गूगल पे, वेक्टर स्टाइल इलस्ट्रेशंस, तो आपके सामने एक स्टाइल खुलेगा, आपको नजर आ रहे होंगे कार्टून स्टाइल में इलस्ट्रेशंस बनी है। तो अब ये जो इलस्ट्रेशंस हैं, इनको हम स्केल कर सकते हैं, इनको हम जितना मर्जी जूम इन करें, अगर हमारे पास ओरिजिनल इनकी फाइल पड़ी हो तो जितना मर्जी जूम इन करें, इनके कभी भी पिक्सल्स खराब नहीं होंगे। इलस्ट्रेटर में हम जब भी ड्रॉ करते हैं अक्सर हम कार्टून स्टाइल में ही करते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेटर उसके लिए बेहतर है। अब अगर हमने रियलिस्टिक स्टाइल में पेंटिंग्स बनानी हो, डिजिटल पेंटिंग्स बनानी हो, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब आपके सामने कुछ पेंटिंग्स खुली हैं, ये आपको बजाहिर इमेजेस लग रही होंगी लेकिन ये इमेजेस हैं नहीं, ये पेंटिंग्स हैं जो कि डिजिटली फोटोशॉप या कोई भी ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स में बनाई गई हैं। तो हमने अगर रियलिस्टिक स्टाइल में इमेजेस बनानी हो, पेंटिंग्स बनानी हो, हम इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप का।
अब वहां पे उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आप उनको स्केल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जिस साइज में आपने एक दफा बना दिए हैं वो उसी साइज में रहेंगे, लेकिन फायदा ये होता है कि वो ज्यादा रियलिस्टिक होती हैं। तो डिपेंड, बात वही आती है फिर से कि डिपेंड आपके आउटपुट पे करता है, आपको आउटपुट क्या चाहिए। अगर आपने कार्टून स्टाइल में बनाना है बेहतर आप इलस्ट्रेटर में बनाए, क्योंकि वो स्केल भी हो सकेगा। रियलिस्टिक स्टाइल में इलस्ट्रेटर के पास टूल्स हैं ही नहीं जो कि रियलिस्टिक स्टाइल में पेंटिंग कर सके, वो सब टूल्स मौजूद हैं आपके पास फोटोशॉप में। तो बात सारी आउटपुट की, आपको आउटपुट क्या चाहिए। सर, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाह रही हूँ, तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि किस तरह मेरे लिए बेनिफिशियल होगी एंड मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के अर्न कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। आप ये ग्राफिक डिजाइन एक ऐसा स्किल है जिसके लिए आपको कुछ खास जरूरत नहीं है घर से निकल के काम करने की, क्योंकि काम आपने सारा अपने कंप्यूटर पे करना होता। कभी कभी आपको पेपर की जरूरत पड़ जाती है, तो इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो जिसके लिए आपको लाजमी बाहर जाना पड़े। तो आप बिल्कुल घर पे बैठ के इससे पैसे कमा सकती हैं। आपको क्लाइंट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको क्लाइंट्स लोगों के थ्रू मिल जाएंगे, क्योंकि काम आपका सारा कंप्यूटर पे होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बेशक आपको इस स्किल के बारे में कुछ नहीं भी आता, हम आपको सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस पे लेके जाएंगे, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, काम के थ्रू। मैं आपको असाइनमेंट्स दिया करूंगा हर लेक्चर के बाद, आप वो असाइनमेंट्स करके हमारे ग्रुप में भेजेंगे, फिर मैं उन पे आपको क्रिटिसिज्म दूंगा कि आपने उसमें क्या गलतियां की हैं, क्या बेहतर हो सकता था, क्योंकि सीखते आप करके ही हैं, किए बगैर, खुद किए बगैर आप कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। मैं जितना मर्जी बता दूं आपको, जितनी मर्जी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूं, आपको काम करना तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, और जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको किसी से फीडबैक नहीं मिलेगा। तो और कोई सवाल आप लोगों का? मैंने ये आपसे ये चीज पूछी थी कि हम प्रेफर किसको करें, क्योंकि ये जो इतने बड़े बड़े टूल हैं और हम ये तो नहीं है कि हम 2 महीने में इसमें एक्सपर्ट हो जाए, तो हम किस टूल को प्रेफर करें, किस टूल पे सबसे ज्यादा फोकस रखें? क्या वो फोटोशॉप हो या कि वो इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ, जो भी आपके जितने भी टूल्स हैं उनमें से कौन सा टूल हम है जिसके ऊपर फुल फोकस रखें ताकि हमें वो बेनिफिशियल हो लॉन्ग टर्म के लिए? देखें, आप किसी भी टूल में मास्टर कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मास्टर जो लफ्ज है उससे मुराद क्या है? उससे मुराद है कि आपको किसी टूल के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ आता हो, लेकिन सब कुछ किसी को भी नहीं आता होता किसी चीज के बारे में। आप बेशक एक ही टूल में 80 साल लगा लें, आपको वो टूल पूरी तरह 100% नहीं आएगा। यहाँ तक कि जो इस टूल के डेवलपर्स हैं उनको खुद भी नहीं हर एक चीज का पता होता है इस टूल में जो कि हमने खुद बनाया। तो हम मेहनत तो दोनों सॉफ्टवेयर्स पे बराबर की करेंगे, ताकि आप दोनों सॉफ्टवेयर्स पे एक बेसिक लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ताकि इसका फायदा ये होगा कि आपने, जैसे आपने बात की किसी एक टूल को इस्तेमाल करने की, मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सिर्फ फोटोशॉप पे काम करते हैं तो उसका नुकसान आपको ये होगा कि आपने कहीं अपने डिजाइन स्केल करने होंगे। जैसे मैंने बार बार एग्जाम्पल दी है, एक 20 फुट के बिलबोर्ड की फोटोशॉप पे आप वो नहीं बना सकेंगे। फोटोशॉप पे अगर आप कोई 20 फुट की फाइल बनाएंगे तो उसका साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अक्सर प्रिंटर्स उस साइज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी इलस्ट्रेटर की, और वो आप सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकेंगे जब आपने इस पर प्रैक्टिस की होगी। तो बात यह है कि आपने इस्तेमाल दोनों को करना है, दोनों का बराबर का सीखना है आपने, ताकि आप कहीं पे भी हैंडी कैप ना हो, आप कहीं पे भी कमी ना आए आपके स्किल में, आपको कहीं कोई और इंसान ना ढूंढना पड़ जाए ऐसे काम के लिए। तो इसलिए हम काम दोनों पे बराबर का करेंगे, आधा कोर्स हमारा फोटोशॉप पे होगा और आधा इलस्ट्रेटर पे होगा, ताकि आप बिल्कुल भी किसी भी तरह से हैंडीकैप ना हो। आगे सिर्फ बात होती है प्रैक्टिस की, आप इन टूल्स को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आप इनमें इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि भाई आज मैं इस टूल में मास्टर हो गया, क्योंकि जिस दिन आप ये कहेंगे उससे अगले दिन आपको नजर आएगा कि उसमें और नई चीजें आ गई हैं और हजारों नई चीजें आ गई एक ही दिन में। तो इस वजह से मास्टर कोई भी खुद को नहीं कह सकता। For most researchers on emotional intelligence, found EQ as to found EQ. Please, आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं, आपकी आवाज बहुत मुश्किल से आ रही है। Technical skills at all job levels, without it, a person can have the best training in the world, and in specific analytical mind. आप क्या मुझे कुछ कह रहे हैं? अच्छा, तो किसी और का कोई सवाल होगा इस बारे में तो प्लीज पूछिए। नहीं सर, मजीद तो कोई सवाल नहीं है, जो बेसिक चीजें पूछने वाली थी वो तो सारी की सारी पूछ ली हैं। पर आपसे मैंने इस वाले से पूछना था कि क्या इस कोर्स के एंड में फ्रीलांसिंग भी कराई जाएगी, क्योंकि हमारा ये कोर्स हम कर लेंगे क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हम इसके बाद फ्रीलांसिंग करें, घर में बैठ के वर्क करें। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे, आप इसके वाले से कुछ कराएंगे? हाँ बिल्कुल, आपको कोर्स के एंड पे कुछ टिप्स जरूर दी जाएंगी, लेकिन अगर आपने फ्रीलांसिंग के बारे में उसके बारे में इनडेप्थ सीखना है तो हम उसके बारे में और भी कोर्स ऑफर करते हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग एक छोटा टॉपिक नहीं है, फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में आपको टिप्स जरूर दी जाएंगी कोर्स के एंड पे, लेकिन अगर आपने उसके अंदर सही तरह से घुसना है तो इसके बारे में आपको इन पे टिप्स जरूर दी जाएंगे। तो और कोई सवाल किसी का? अच्छा एक क्वेश्चन मेरा एक और है कि हमें स्टार्ट में ना कलर कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल से समझ आता है कि हम कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का रखें, बेशक वो इलस्ट्रेशन हो या फोटोशॉप हो, तो हमें कोई सिंपल से कलर सजेस्ट कर दे, दो तीन के उन्हें मिला के हम कोई एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन रख सकें, जैसे ब्लैक एंड वाइट होता है सिंपल इजी हर जगह पे देखा जाता है, तो आप कुछ कलर बता सकते हैं हमें? अच्छा हसन, ये क्लासेस का के कितने दिनों में ये आपको बता दिया जाएगा अभी? तो मोइज, आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल किया है। कलर्स का इस्तेमाल, कलर कॉम्बिनेशन से मुमकिन नहीं है कि मैं आपको कोई एक कलर कॉम्बिनेशन बता दूं जो कि अच्छी हो,
क्योंकि हर कलर का एक अपना मकसद होता है. फॉर एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया रेड कलर की, जिनमें रेड कलर ज्यादा होता है वो वाली कलर स्कीम इस्तेमाल होती है. मेडिसिन में जाए वहां पे ग्रीन बहुत इस्तेमाल होता है, एजुकेशन में ऑरेंज बहुत इस्तेमाल होता है. हर फील्ड में अलग अलग टाइप्स के कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होती हैं. तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपको कोई एक कलर कॉम्बिनेशन बताऊं जो कि अच्छी हो, जो सब डिजाइन में काम करे. अलबत्ता आपको कलर्स चूज करना जरूर मैं सिखा सकता हूँ और सिखाऊंगा भी इस कोर्स में कि आपने किस इंडस्ट्री के लिए अपना डिजाइन बनाना है, तो आप उस इंडस्ट्री के लिए क्या क्या कलर्स इस्तेमाल करेंगे. लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं कोई एक कलर स्कीम आपको बताऊं और वो आप हर डिजाइन में इस्तेमाल करें. ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप ये देखेंगे अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इस फील्ड में शुरू हुआ था ये सवाल मैंने भी किया था कि कोई एक कलर कॉम्बिनेशन मुझे बता दें. लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब मैं एजुकेशन में इस्तेमाल करता हूँ, मैं मेडिसिन में इस्तेमाल करता हूँ ग्रीन कलर, मुझे एक ग्रीन की बहुत अच्छी कलर कॉम्बिनेशन मिलती है. अब मैं उसी कलर कॉम्बिनेशन को ट्राई करता हूँ फूड इंडस्ट्री पर करने की, और मैं देखूंगा कि मेरे डिजाइन नहीं सही बन पाएंगे, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में ये कलर उतने बेहतर काम नहीं करता जितना रेड और येलो के कलर्स काम करते हैं. तो कलर स्कीम्स इस्तेमाल करना जरूर आपको सिखाया जाएगा, कलर्स इस्तेमाल करना, कलर स्कीम्स बनाना, लेकिन कोई एक कलर कॉम्बिनेशन बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक कलर कॉम्बिनेशन हर डिजाइन में नहीं काम करेगी. ठीक है सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि हम सीख जाएं आपसे कि किस तरीके से हम पोस्ट पर डिजाइन कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन एंड में एक चीज होती है कि हम किस तरीके से एक प्रोफेशनल पोस्ट को बना सकते हैं. उसमें क्या ऐसे एक से दो पॉइंट्स होते हैं जिससे हम हमारी जो पोस्ट हमारा डिजाइन है वो प्रोफेशनल लगे? क्या उसमें टेक्स्ट टर्म होना चाहिए या उसमें क्या ऐसा ऐसी चीज आप थोड़ा सा डिफाइन कर दें इस चीज को कि हमारे जो डिजाइन है वो प्रोफेशनल लगे, क्योंकि हम यूट्यूब पर तो देख रहे होते हैं चीजों को. देखें डिजाइन्स में ना, उनको प्रोफेशनल लगने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो एक चीज है पॉलिश. पॉलिश आपके डिजाइन में सिर्फ वक्त के साथ आती है. मैं आपको थ्योरी समझा सकता हूँ, मैं आपके इलस्ट्रेशंस और आपके डिजाइन पे आपको क्रिटिसिज्म दे सकता हूँ, गलतियां बता सकता हूँ, बेहतरी का बता सकता हूँ कि कैसे होगी, लेकिन पॉलिश जो चीज है ना वो आपको कोई नहीं बता सकता कि कैसे आएगी. पॉलिश सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आती है. आप जितने ज्यादा डिजाइन बनाएंगे आपके हाथ में, आपके डिजाइन में उतनी ज्यादा पॉलिश आती जाएगी. पॉलिश सिर्फ वक्त के साथ आएगी. आपको पहले 2-3 महीने लगेगा कि आपके डिजाइन आपको खुद भी नहीं अच्छे लगेंगे, और ऐसे होता है, ऐसे होना जरूरी है, क्योंकि जब आपको अपनी चीज खुद ना अच्छी लगे तो इसका मतलब है कि आपका आपका टेस्ट अच्छा है, आपको पता है कि क्या चीज अच्छी है. तो उससे होगा ये कि आप खुद अपने डिजाइन में गलती बता सकेंगे ये क्यों नहीं अच्छी लग रही. तो पॉलिश सिर्फ आपके डिजाइन में वक्त के साथ आएगी. वो उसका कोई तरीका नहीं है, कोई कोई दवाई नहीं है मैं आपको दे दूं और आपके डिजाइन में पॉलिश आ जाएगी. वो आपके हाथ में ही है, वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी. फॉर एग्जाम्पल डिजाइनर्स के लिए एक स्किल बहुत जरूरी है, ड्राइंग का. जब आप ड्राइंग्स बनाते हैं तो शुरू शुरू में आपकी ड्राइंग्स बेशक ठीक बने, लेकिन उनको देख के पता चल रहा होता है कि ये किसी नए इंसान ने बनाई, किसी बिगिनर ने बनाई है. तो उनको देख के पता चल जाता है कि इसमें पॉलिश नहीं है, और वो पॉलिश आज तक कोई सवाल इस सवाल का जवाब नहीं दे सका कि वो पॉलिश लाएं कैसे अपनी लाइंस में. वो पॉलिश सिर्फ और सिर्फ वक्त के साथ आती है. बिल्कुल ऐसे डिजाइन में भी है, पॉलिश सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त के साथ आएगी. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आ जाएगी ऑब्वियसली. और क्रिटिसिज्म देने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हो जाए तो आपको खुदा हाफिज कह देंगे हम. आप उसके बाद भी आपको किसी क्लाइंट को डील करने में मसला हो, कोई डिजाइन ना बन रहा हो उसमें मसला है, मैं आपको बता सकता हूँ, आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं वहां पे आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ. तो और कोई सवाल?
ठीक है, थैंक यू सो मच। बस यही थे क्वेश्चंस, बाकी आपकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करूंगा तब और मजीद मैं आपसे सवाल करूंगा। तो बस याद मेरे लिए इतना ही था, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू। यू आर वेलकम मोइज। और बाकी स्टूडेंट्स के पास भी कोई सवाल हैं तो वो बता सकते हैं। क्लासेस आपकी सैटरडेज और संडेज को 2 बजे हुआ करेंगी। अच्छा, आप प्लीज हमें 1 मिनट दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो ओरिएंटेशन लेक्चर है, जो जितना मैक्सिमम हम एक्सप्लेन कर सकते थे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, और चीज़ों को मज़ीद अच्छा आपके सामने कोशिश की है कि अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकें। फर्दर ये है कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ कि जो ग्लोबल एज ट्रेनिंग्स है वो क्या बेसिकली मकसद है, हम लोग क्या करवा रहे हैं। बेसिकली ग्लोबल एज ट्रेनिंग जो है वो किप सीएसएस का एक ब्रांड है, और किप सीएसएस इसको ऑन करता है, और ये उनका सब ब्रांड है जिसमें हम आईटी स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज जो है ना डिफरेंट करवा रहे हैं, जिसमें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल दैट सारा कुछ होता है। अभी के लिए जो ग्राफिक्स के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हैं, यू आर हेयर फॉर द ग्राफिक डिजाइनिंग, तो ग्राफिक के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि हमारा ये 2 मंथ्स का सेशन है। 2 मंथ्स के सेशन के अंदर हम आपको अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, और साथ में हम लोग आपका कोरल ड्रॉ, और साथ में फ्रीलांसिंग जो है, ये 4 डिफरेंट हम लोग प्लेटफॉर्म्स आपको, एक आपके सॉफ्टवेयर अडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, और साथ में फ्रीलांसिंग के ऊपर फाइबर और अपवर्क के ऊपर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अब इसको हमने डिवाइड इस तरह से किया है कि ये वीक में 2 लेक्चर्स हैं, बाकी रिमेनिंग आपको हम लोग क्लास असाइनमेंट्स देंगे, आप वीक के अंदर उसको परफॉर्म करेंगे। जैसे ही आप लोग पे करेंगे आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसके अंदर आप लोग ऐड होंगे, उसमें टोटल क्लास इंटीमेशन, क्लास रिकॉर्डिंग्स, हर चीज आपसे शेयर होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे कोर्सेज के अंदर अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी कोर्स अटेंड करते हैं तो आपको फ्रीलांसिंग का सर्टिफिकेट साथ में फ्री मिलेगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग इसमें इंक्लूडेड है। तो फीस मैं आपको इसकी बता देता हूँ कि फ्लैट 50% ऑफ है, और 10,000 इसकी फी है, प्लस 2,000 रजिस्ट्रेशन है, टोटल 12,000 फी है। तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह सैटरडे 2 PM to 4 PM फिक्स टाइम है, इसी टाइम के ऊपर हमारी क्लासेस होंगी। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो कोई मतलब कि आप लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मुलाकात होगी। मेरी तरफ से इट्स ऑल, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुस्तफ़ा साहब, हसन साहब, मोइस साहब, नईमुल्ला साहब, फयाज बलोच, कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें प्लीज, एनी क्वेश्चन। सर मेरा एक क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग के हवाले से, क्योंकि मैं ऑनलाइन वर्क, क्योंकि मेरा यही है कि मैं यहाँ से सीख के फ्रीलांसिंग करूँ, तो हमें फ्रीलांसिंग में किस हद तक सिखाया जाएगा और कौन क्या क्या चीजें उसमें हमें बताई जाएंगी, काइंडली जरा थोड़ा सा गाइड कर दें। जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। बेसिकली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स तो मुझे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जो मेजरली जो मेजर है करवा रहे हैं, हम लोग फाइवर अपवर्क पे करवा रहे हैं। इसके अंदर हाउ टू क्रिएट अ गिग, ठीक है, हाउ टू फाइंड अ क्लाइंट, ठीक है, आपने अपनी प्रोफाइल को पहले कैसे मेंटेन करना है, किस किस तरह से आपने अपने स्टेटसेस वगैरह मेंशन करने हैं, क्या क्या आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर चीजें लिखनी है, साथ में हम आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना सिखाएंगे, क्लाइंट को हैंड करना सिखाएंगे, और आपने चीजों को परफॉर्म कैसे करना है, ये सारा कुछ हम लोग उसमें गाइड करेंगे, जो काफी हद तक एक फ्रीलांसिंग साइट को कवर करता है। बाकी आपको एक स्किल भी दे रहे हैं, साथ में क्लाइंट कम्युनिकेशन भी सिखा रहे हैं, लोकल इंटरनेशनल मार्केट का कंपैरिजन भी सिखा रहे हैं। आई थिंक सो इट्स इनफ। और कोई क्वेश्चन एनीवन? आई थिंक सो कि मेरे ख्याल से आज के लिए इनफ है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मुलाकात होगी। एंड फी स्ट्रक्चर में दोबारा से फयाज बता रहा हूँ, 12,000 फी है,
फ्लैट 50% ऑफ के साथ जिसमें 2000 रजिस्ट्रेशन इंक्लूडेड है, 10,000 प्लस 2,000 टोटल 12,000, ठीक है? के अंदर आपको दो सर्टिफिकेट्स, थैंक यू सो मच, दो सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग और फ्रीलांसिंग का सर्टिफिकेट होगा। तो आई होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग हमसे मुलाकात करेंगे। हमारा जो ऑफिस है लाहौर के अंदर वो है 32B जगावर चौक जौहर टाउन लाहौर, ठीक है? और किप CSS की बिल्डिंग है ये, यहाँ पे हम लोग फिजिकली भी होते हैं और ऑनलाइन तो जूम पे आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच टू ऑल।